का लास्ट सोमवार है और रक्षाबंधन भी है, तो चलिए त्यौहार की थाली आधे घंटे में तैयार करते हैं बिना लहसुन प्याज का। इधर हमने 2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, बॉयल करने के लिए रख दिया है। इधर मखाने को 2 चम्मच घी डाल के फ्राई कर लिया है और अब यहाँ पे पंजीरी बनाएंगे। आज पूर्णिमा है तो कथा करा रही हूँ, तो यहाँ 4 चम्मच घी डालेंगे और 2 कप आटा डालूँगा। इसे भून लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। इधर दूध बॉयल हो गया है तो चावल डाल देंगे। आज सोमवार, लास्ट सोमवार भी है तो सामा का चावल का खीर बना रही हूँ। इधर आटे को भून लेंगे, बीच बीच में घी डालकर, एक बार घी नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े करके घी डालेंगे, इसे जल्दी भुना जाता है। इधर मैं ड्राई फ्रूट्स ली हूँ, किशमिश, बादाम, काजू, इलायची और छुआरे को, बादाम को बारीक का चॉप कर लेंगे। आटे को भी गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। इधर दूध भी, चावल डाल दी हूँ हाई फ्लेम पे, दूध खीर अच्छी बनती है, गाढ़ी होती है ना। बीच बीच में इसे स्टर भी करते जा रही हूँ, एक साथ इतना सारा काम करना मुश्किल है, फिर भी कर लूँगी। अब इधर इसमें 1 कप चीनी डालेंगे। हमने इलायची भी इधर गैस के पास रख दिया, आजकल सील जाते हैं ना तो उससे सीख जाते हैं तो कूटने में सही रहते हैं। देखिए आटा भी भून चुका है, इसमें अब ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें भूरा ऐड करूंगी, 1/2 kg के करीब आटा है तो 1/2 kg भूरा डाल देंगे। मैं भूल गई थी, बाद में थोड़ा मखाने वगैरह भी डाल दूँ। भूरा को छान लेंगे, देखिए कितने गांठ हैं, इसको बाद में मिक्सी में पीस लूँगी। दूसरे बारी का भी छान लें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ खीर और छोले बनके तैयार है, खीर बनने के बाद भी इसे बीच बीच में स्टर करते रहें। अभी इलायची नहीं डालूँ, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इलायची भी डाल दें, क्योंकि इसमें नहीं चलाएँगे ना तो बहुत मोटी सी मलाई पड़ जाती है। इलायची डाल के भी मिला लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 kg टमाटर लिया है, एक ये छोले और आलू की सब्जी बना रही हूँ। इसमें छोले में 1 चम्मच चाय पत्ती, 2 लौंग इलायची, 1 बड़ी इलायची डाल के ये जो छन्नी सी छोटी होती है ना इसमें बंद करके बॉयल कर लूँगी। जो अलग अलग बार निकालने में दिक्कत होती है ना तो इसी में ये रह जाएंगे। इसे तो मैं ग्रीन टी के लिए यूज करती थी, तो आज मैं सोची चलो छोले में इसी में डाल के बॉयल कर लूँ। बिना लहसुन प्याज का बना रही हूँ छोले, तो इसमें चाय पत्ती देने से अलग ही फ्लेवर आते हैं। फिर 1 से 2 चम्मच नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल के 1 सीटी हाई फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब इधर 4 से 6 चम्मच हमने ऑयल डाला, 1 चम्मच जीरा, थोड़े से खड़े मसाले ऐड किए हैं, इसको थोड़े से फ्राई होने देंगे। और अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, हींग डाल देंगे 1/2 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 से 3 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। छोले काफ़ी तीखे हो गए थे क्योंकि हरी मिर्च भी उसमें, हरी मिर्च अदरक भी। अब इसमें ये मसाले ऐड कर देंगे, टमाटर और मसाले प्यूरी है, और इसके तब तक फ्राई करेंगे जब तक ऑयल ना छोड़ दे। मैं सोच रही हूँ बहुत लेट हो रहा है तो इसी में और भी मसाले ऐड करके थोड़े से आलू के लिए निकाल लूँगी।
को भूनते रहें। और मैंने थोड़े से छोले मसाले घर में ही बनाए थे, ये एक चम्मच जीरा पाउडर दे देंगे। इधर छोले भी छोले बॉयल हो चुके हैं, देख लेंगे सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें एक सीटी लगा देंगे, सारे मसाले और छोले मिल जाएंगे एक साथ। वैसे तो कढ़ाई में भी उबाल सकते हैं। अब सब्जी का मसाला तैयार कर लेते हैं। एक चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग और दो टमाटर काट लिया है, एक चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसको आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। एक चम्मच धनिया पाउडर, क्योंकि वो मसाले तो भुने हुए हैं, थोड़े से और इसमें ऐड कर देते हैं। अब ये मसाले भुने हुए डाल देंगे। मैंने 1 kg आलू बॉयल कर लिया है, उसको छील लिया है। इसको भी थोड़ी देर भून लेंगे। मसाला भून चुका है, आलू मैश करके दे देंगे। सारे खाना बहुत टेस्टी बने थे, मैं बस आलू में नमक डालना भूल गई थी, कम हो गया। अब इसमें छोले तैयार हैं। कसूरी मेथी 1 चम्मच दे देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच गरम मसाला, ऊपर से धनिया से गार्निश कर देंगे। अब इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है, 2 चम्मच घी डालेंगे। यहाँ पे पुलाव बना रही हूँ। आधी चम्मच जीरा और थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, और हमने 1 गाजर चॉप करके रख लिया है। इसे भी डाल देंगे। मटर ऐड कर देंगे थोड़ी देर, गाजर को भी भून लेंगे। चावल डाल के मटर ऐड कर देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे और 3 कप चावल है तो 4.5 कप पानी डालेंगे। चावल पुराना है तो बहुत हार्ड हो जाते हैं, इसलिए इसमें 4 से 4.5 कप पानी डालेंगे। मतलब 1 कप में मैं 1.5 कप डालती हूँ पुराने चावल। और हाई फ्लेम पे 1 सीटी और मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए रख दें। देखिए छोले और खीर बनकर तैयार है और सब्जी पुलाव और पूरी रह गया। पुलाव भी बन गया, सब्जी भी चढ़ा हुआ, बाद में पूरी तल लूँगी। इधर पूजा भी हो रहा है, पुलाव भी बन गया, इसे मतलब पलट देंगे। अब इधर मैं आटा गूंद लेती हूँ, पूड़ियाँ भी बना लेती हूँ फटाफट। अभी आटा ठीक से नहीं गूंदाया था। पूरी तल लेंगे। वैसे ही दूसरे पूरी तल लेंगे। सब्जी बन के तैयार है, पंडित जी के लिए प्लेट लगा लेते हैं फटाफट से। सब्जी बनकर तैयार है, प्लेटिंग कर लेते हैं सब्जी। देखिए कितना अच्छा कलर आया, टेस्टी छोले सब्जी, बहुत ही अम्मी बनाया है। आप भी व्रत त्यौहार में इस तरह के थाली तैयार कीजिए। पुलाव भी परोस ले, पुलाव भी लगा लेते हैं।
पूरी थाली बनकर तैयार है, त्यौहार की थाली, पुलाव, सब्जी, पूरी, छोले। अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर